जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा ना, सबसे पहले तुझे दिखाने ले जाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को बनाने के लिए आपको पिक्सलैब एंड एलाइट मोशन एप्लीकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप। न्यू टेस्ट को आप डिलीट कर दो एंड ऊपर जो थ्री डॉट का आइकन है, आपको थ्री डॉट के आइकन पर टैप करके इमेज साइज पर टैप करना है। देन हाइट को हम एडिट करके 2000 तक रखेंगे। देन हमें ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप फिर से प्लस के आइकन पर टैप करो, फ्रॉम गैलरी पर टैप कर देना है आपको। एंड यहाँ से एक आपको सबसे पहले एक इमेज ले लेना है कुछ इस तरीके से, जो कि मॉल रेडी का इमेज है। अब हम इसे 3x4 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ना 3x4 का रेशियो, आपको इस पर टाइप करके इस तरीके से आपको ओके पे क्लिक करना है। थोड़ा सा साइज है जो क्रॉप हो चुका है तो अच्छा लगेगा देखने में, समझ रहे हो ना। अब हमें इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करेंगे। बॉर्डर ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, इस वाले सेक्शन पर टैप करके ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अस्ट्रोक वाला सेक्शन। आपको अस्ट्रोक के सेक्शन को इनेबल करना है। आप अस्ट्रोक विद को इस तरीके से आप 4 तक रख सकते हो, सही है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा शैडो का एक सेक्शन, देख रहे हो। आपको शैडो को करना है इनेबल। देन थोड़ा सा ऑफसेट एक्स वाई को इस तरीके से 4x5 आप इस तरीके से कर लो, सही है। अब हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। चलो सारा प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है, फोटो में जितना प्रोसेस था हो चुका है। अब आप फिर से प्लस के सेक्शन पे टैप करो, फ्रॉम गैलरी पे टैप करो। देन यहाँ से एक आपको PNG ऐड कर लेना है। उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करके नीचे तरफ यहाँ पे ये मेरा है, अब साइज को थोड़ा डिक्रीज करके, ज़्यादा भी नहीं यहाँ पे, हाँ इतना सही है ना, ज़्यादा भी नहीं कि पूरा एकदम यहाँ पे ऐड हो रहा है। चलो इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके ना इसे आप नीचे कर लो, इस तरीके से नीचे कर लो, सही है। इस साइज को थोड़ा सा और भी हम डिक्रीज कर देते हैं। एंड ये वाला जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को थोड़ा सा नीचे लाएंगे। चलो कंप्लीट। अब इस वाले सेक्शन पे टैप करके ना, दोनों जो आपका दोनों लेयर है, दोनों लेयर को इस तरीके से लॉक कर देंगे ताकि हिले डुले ना, इस तरीके से। अब आपको फिर से प्लस के सेक्शन पे टैप करना है, टेस्ट पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हैप्पी मदर्स डे। क्या लिखना है, हैप्पी मदर्स डे, इस तरीके से। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। देन इस वाले सेक्शन पे टैप करके ना आपको फोन वाले सेक्शन पे टैप करना है, माय फोन पे टैप कर देना लेना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो मुझे एक फ़ोन देखने को मिल जाएगा, फ्ली ऑक्स गर्ल, इस तरीके से कुछ भी नाम है भैया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से इसे ऐड कर लेना। आप साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का। एंड यहाँ पे क्या है ना कि एम जो लिखा हुआ है बड़ा में लिखना है एंड डी लिखना है, ये भी आपको कैपिटल लिखना है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसके साथ दिल वगैरह का यहाँ पे लाइक इमोजी लगा रहेगा, साइज छोटा रहेगा तो उतना अच्छे से आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे कर लेना। अब कलर वाले सेक्शन पर टैप करके आप इसे येल्लो कर लो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे येल्लो कर लो ताकि ये ब्लैक बैकग्राउंड पे अच्छा लगेगा देखने में। अब आपको फिर से प्लस वाले सेक्शन पर टैप करके ना न्यू टेस्ट को होल्ड करके आपको नीचे लाना है। अब देन आपको करना क्या है कि 2 से 3 लाइक इमोजी आपको ले लेना है कुछ इस तरीके से, यह है ना। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे, फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करके आपको माय फॉन्ट पे टैप करना है। देन फॉन्ट को हम करेंगे चेंज, iOS 14 फॉन्ट, जो कि इमोजी वगैरह के लिए सही है। अब साइज को आप अपने हिसाब से रखिएगा या फिर यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब 3D शैडो हम इनेबल कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे, तो 3D शैडो को हम इनेबल कर देंगे इस तरीके से। चलो ये काम कंप्लीट। अब नीचे में कुछ आपको शायरी वगैरह लिख लेना है, तो शायरी हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शायरी भी लिख लिया। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। अब साइज को आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखिएगा, बाकी आप फॉन्ट को चेंज कर लो। एंड फॉन्ट के लिए मैं आपको हर बार सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरीके का फॉन्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो भैया। अब हमने फॉन्ट यूज करा है, आप साइज को यहाँ पे साइज को एडजस्ट करके इसे कलर, इसका कलर को हम ब्लैक करेंगे। चलिए इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा साइज को हम ज़्यादा कर लें तो और भी ये सही लगेगा देखने में। तो इसके लिए ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं कि पूरा आर पार हो जाए, तो ऐसा नहीं करना आपको, इन गलतियों को आपको इग्नोर करना है भाई। अब आपको इतना कंप्लीट हो चुका है तो आपको फिर से आप प्लस वाले सेक्शन पर टैप करके फ्रॉम गैलरी पर टैप करना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है ना, इन्वर्टेड कोमो को ऐड करना है। तो साइज को थोड़ा डिक्रीज करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने गलती करा है कि जो आपका शायरी है, शायरी का कलर हमने ब्लैक रखा है, जो कि मेरा बैकग्राउंड ही ब्लैक रहने वाला है। तो भाई शायरी के कलर को हम ना थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, वाइट कर लेंगे, है ना। अब इन्वर्टेड कोमा जो है आपका भाई, इन्वर्टेड जो कोमा है, इसे हम कॉपी करके
कॉपी करके इस तरीके से हम रोटेट करके भाई ना इसे आप यहाँ पे ऐड करो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम पोजीशन के सेक्शन पे डैप करके यहाँ पे आप अच्छे से इसे ऐड कर लेना है ना। अब ऐड कर लेने के बाद कलर वाले सेक्शन पे टैप करके आपको यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद ये जो आपका इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को आप कलर जो है कलर को आप इस तरीके से रेड कर लो एंड ये भी आप रेड कर लो है ना, कलर को रेड कर लो ताकि ये अच्छा लगे। पीछे आपका बैकग्राउंड ब्लैक होने वाला है इसलिए मैं आपको इस तरीके से इन बातों से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर लेना है। सही है, आप इसे अच्छे से एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। अब आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ पे आपको हाँ एक चीज़ की आपको यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम नेम आईडी वगैरह आपको लिख लेना है ताकि वो आपको मतलब कि जो आपको भाई जो भी आपको शेयर करे वो पता चल जाए कि किस टाइप का किन्होंने ये वीडियो कौन सा बंदा है जो ये वीडियो को एडिट करा है एंड उसके क्या कहते हैं उसके अकाउंट पर जाकर आपको फॉलो कर सकेंगे है कि नहीं। अगर इतने अच्छे वीडियोस आप एडिट कर रहे हो लेकिन आप टैग नहीं दोगे तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम है कि ना। अब आपको ट्रांसपेरेंट वाले सेक्शन पर टैप करके आपको बैकग्राउंड का रिमूव करना, देन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टैप करके सेव एज इमेज कर देंगे, डायमेंशन कस्टम डाउन एरो अल्ट्रा देन सेव टू गैलरी। तो ये काम काफ़ी आसान था। अब आपको क्या करना है ना कि एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पे आपको एक XML फाइल ऐड करना है। तो फाइल के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने डाटा को ऑन करके मेरे टेलीग्राम पे जाना है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, टेक जे नाम है। आप यहाँ से नहीं हो पाओगे तो आप जाकर सर्च कर सकते हो टेक जे, इस तरीके से आप सर्च करोगे टेक जे तो टेक जे ऑफिशियल लिखोगे ना, टेक जे ऑफिशियल इस तरीके से तो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आ जाएगा टेक्स्ट है यहाँ पे 8110 हमारे पास ऑडियंस है, आप आकर इसे चाहो तो बढ़ा सकते हो और हमारे एक मेंबर बन सकते हो। तो इस तरीके से एंड यहाँ पे कल से आपको ना टेलीग्राम पे भी XML फाइल मिल जाएगा जहाँ से आप आराम से आप वीडियो को एडिट कर पाओगे। अब आपको XML फाइल टेलीग्राम पे भी मिल जाने वाला है इसलिए टेलीग्राम को आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा आप ज्वाइन कर लो। अब आपको क्या करना है ना कि एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, आप वहाँ से सबसे पहले जो XML फाइल रहेगा आपको इम्पोर्ट कर लेना है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता होगा, ज़्यादा नहीं है उसमें, तो बस शेयर करोगे ना XML फाइल को आप शेयर करोगे तो सीधा वो चला जाएगा एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। अब वो आपके XML फाइल कैसा होने वाला यहाँ पे देख सकते हो, मदर डेथ स्पेशल। अब आपको इसे ओपन करना है, इसी में सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके का एक स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा मेरी दुनिया। तो इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस के सेक्शन पे टैप करके मीडिया के सेक्शन पे टैप करके आपको सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग के लिए हम वीडियो को ऐड करेंगे एंड वीडियो में से सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वीडियो को हमें कर लेना है डिलीट। अब जो आपका वीडियो है भाई, आपको वीडियो सॉन्ग है, सॉन्ग को आपको सबसे नीचे होल्ड करके ला देना है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी दुनिया लिखा हुआ है, आप इसमें जाकर ना फॉन्ट वाले सेक्शन पर जाकर आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, वो भी डांसिंग स्क्रिप्ट बोल्ड इस तरीके से है मेरी दुनिया, जो कि आपको यहाँ से देखिए डाटा ऑन करके थोड़ा सा आप डाउन एरो पे टैप करोगे, देन डाउन एरो पे व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाओगे, थोड़ा सा नीचे में आप जाकर नहीं तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे DANCE डांस इस तरीके से क्या है डांसिंग स्क्रिप्ट रेगुलर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो फॉन्ट यूज कर सकते हो या फिर आपको अगर यही फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो बस जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ओके पे क्लिक कर देंगे, चलो उस ऊपर वाले में फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब नीचे में जो आपका क्या कहते हैं लाइक इमोजी है, इमोजी में आप iOS 14 फॉन्ट यूज कर लो ताकि ये देखने में अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमने यूज करा, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मेरा सॉन्ग भी ऐड हो चुका है, आगे के पोर्शन भी यहाँ पे सही हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ मतलब कि लगाने हैं। अब इसमें आप क्या करो कि इसमें जो इफेक्ट हैं, इस लेयर में जो इफेक्ट है सारे इफेक्ट्स को आप कॉपी कर लो। अब कॉपी कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से 4.37 सेकंड के बाद से आपको प्लस के सेक्शन पे डैप करके मीडिया के सेक्शन पे डैप करके जो आपने PNG बनाया था उस PNG को आपको ऐड करके साइज को थोड़ा सा छोटा करना है, ज़्यादा भी नहीं, इस तरीके से साइज को थोड़ा छोटा करके आप इसे इंक्रीज कर दो इन तक। अब इसमें जो आपको इफेक्ट यहाँ से कॉपी करा था इसलिए पेस्ट करना। अब पेस्ट करने के बाद पीछे में आपका क्या है कि पीछे में जो आपका रेड कलर का बैकग्राउंड है आपको उसे इस तरीके से डिलीट करना। चलो वीडियो को जरा प्ले करते हैं, आप कैसा रहता है आपको वीडियो में आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से शुरू में आपका कुछ इंट्रो वगैरह मेरी दुनिया, अब ये आपका इस तरीके से चेक इफेक्ट्स के साथ आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। काफ़ी कमाल का वीडियो है भाई, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड ओपन में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टैप करके वीडियो को आपको इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल के एक और एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।